काली प्रसाद, पूरे एरिया में सर्कुलेट कर दो, ये आदमी मुझे किसी भी हालत में चाहिए। बाप रे, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्या हुआ? आप मुझे भी नहीं बताएंगे क्या बात है? तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, पहले अपना गुस्सा थूकिए और ये बताइए कि किस बात ने आपको इतना परेशान करके रखा है? ये बाबा भी बस अब मुझ पे अपनी मर्जी लादना चाहते हैं। कहीं आपसे बगैर पूछे आपकी दूसरी शादी तो नहीं तय कर दी उन्होंने? हंस लो, उड़ा लो मजाक। तुम्हें मजाक की सूझी हुई, यहाँ पर मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये तो बताइए कि हुआ क्या? वो चाहते हैं कि अब मैं उनका फैमिली बिजनेस संभाल लूं। वो तो वो चाहेंगे ना। और मैं जो चाहता हूँ वो, मैं अपना कैरियर आर्किटेक्चर में बनाना चाहता हूँ बस। क्या ये बात आपने बड़े पापा से की है? वो सुने तब बोलूँ ना, वो तो ये मान के चल रहे हैं कि बस मैं तो उनका बिजनेस संभालूंगा। देखिए, आपको जो करना है उसके बारे में तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। हाँ बताना तो पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा कि अभी ही वो इतना टेंशन झेल के आ रहे हैं कोर्ट कचहरी का, अभी ना बताऊँ तो अच्छा है। गुड थिंकिंग। लेकिन मैं उन्हें एक दो दिन में बता दूंगा बस। अभी मत कहिए, क्योंकि अभी आप कहेंगे तो वो गुस्सा होंगे, और अगर वो गुस्सा होंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। तो फिलहाल आप ये करिए कि इत्मीनान से अपने एग्जाम्स दीजिए और फिर सोचिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? वो मेरी बात मानेंगे? अगर वो मना कर देंगे तो क्या आप मानेंगे? बस तो फिर आप आर्किटेक्ट बनेंगे। सच सच, क्योंकि मैं कह रही। आदमी कोई देखा है? सारे इल्जाम मुझ पर थोप दिए गए। दिनेश काकू ने इतनी ऊंची आवाज में मुझसे कभी बात नहीं की, कभी नहीं। आज मुझे मेरी औकात बता दी गई कि मैं क्या हूं। जानती है श्रुति, मैंने अपना बचपन तक नहीं देखा, दिन रात इनकी सेवा में जुटा रहता था, जूते साफ करने से लेकर बाजार से सामान लाने तक, हाथ पैर दबाने से लेकर झाड़ू लगाने तक, मैं कब जवान हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने इस घर को अपना घर समझा, इस परिवार को अपना परिवार समझा, और आज मेरी वफादारी पर उंगली उठाकर एक ही झटके में मेरी भावनाओं को कुचल डाला गया। प्रकाश रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर अब हम क्या कर सकते हैं? नहीं श्रुति, जानती हो आज मुझे यह समझा दिया गया,
बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि अपनों में और परायों में क्या फर्क होता है। देखो प्रकाश, तुम चोट को जितना कुरेदोगे जख्म उतना ही बढ़ता जाएगा। अच्छा होगा अगर हम कुछ और बातें करें। नहीं श्रुति, नहीं, ये जख्म बहुत गहरी है। मुझ पर वो इल्जाम लगाया गया है जो मैंने किया ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूं कि जिसने भी किया है वो हमारे बीच का ही, और जब तक मैं पता नहीं लगा दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। श्रुति, मैं यहाँ आया था तुमसे अपनी परेशानी शेयर करने के लिए। थैंक यू, कम से कम तुमने मुझे इस लायक तो समझा। मेरे पीछे पड़ी, अब यहाँ रहना खतरे से खाली है। आपको यहाँ आते हुए किसी ने देख तो नहीं लिया? इसकी चिंता तुमसे ज्यादा मुझे। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि तुम अकेले न पड़ो। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक मकसद है, हक, अपने हक को हासिल करना। दिनेश राय की मेरी माफ, आखिरी लड़ाई में आज के साथ तुम्हारा जो ये सिलसिला चल रहा है। सिगरेट्स की पैकेट रखे? हाँ रखे रखे। तूने वो रख ली क्या? अबे वो यार, वो हाँ हफ्ते भर की रख ली। हफ्ते भर के धोने का झंझट ये क्या है? ट्रेन में बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, ठीक है? तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? हाँ इसकी क्या जरूरत है? अरे इस चिकने को तो सारी भाभियां ट्रेन की खाना खिलाएंगी। अबे चल अबे हटाना चपला तेरा। वहाँ रात को देर तक पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, और आप तो जानते हैं नो सिगरेट्स। ओके लेकिन बच्चा है, नो सिगरेट, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो मुझे ऐसे समझा रही हो जैसे मैं पहली बार बाहर जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचते ही मुझे फोन करिए। ये भी कोई कहने की बात है? हर रोज रात को फोन किया करूँगा, और अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक। हो गया, चले। अबे चलना, और सुन मेरी बीबी का ख्याल रखना वरना बहुत पीटूंगा तुझे आने के बाद। चलना चले जल्दी। बाय बाय। सुनो बेटे,
तुम दीपक राय के बेटे हो ना? जी। कितने बड़े हो गए हो, लेकिन चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला, वैसा ही। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे कैसे पहचानोगे बेटा? तुम बहुत छोटे थे जब मैं ये शहर छोड़कर चला गया था। अब बहुत दिनों के बाद मिला। अच्छा, घर में सब कैसे हैं बेटा? तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे बड़े पापा कैसे हैं सब? जी सब अच्छे हैं। आप तो घर पे सबको पहचानते हैं। कैसे नहीं पहचानूंगा बेटा, इसी शहर का तो हूँ मैं। रूमा कैसी है? जी कौन रूमा? तुम्हारी माँ रूमा, उसी की तो बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरी माँ का नाम स्मृति है, रूमा नहीं। स्मृति? स्मृति तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? स्मृति तो रूमा की छोटी बहन। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। भाई साहब जरा सुनिए, सुनिए जरा एक मिनट। हेलो, नाम बड़ा पहचाना सा लगता है। इस घर में मैंने कई बार इस नाम को सुना है। अगर मेरी मां का नाम रूमा ही है तो कहां है वो? अंकुश, क्या हुआ? तेरी आंख इतनी लाल क्यों हो रही है? तू सोया नहीं ठीक से क्या रात को? क्या हुआ अंकुश? मैं आपका बेटा हूं ना? Thank you.
ये रूमा कौन है? मेरी बड़ी बहन। रूमा का बेटा है अंकुश।